हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई यस के पर। तो दोस्तों, मैं लासा मासा पढ़ा रहा हूं और मासा का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, देखते हैं कि मासा में हमने एक कल के वीडियो में दोस्तों तो एक तरीका बताया था कि कैसे मासा निकालते हैं। आज दोस्तों उसका एक और भी तरीका बताने वाले हैं कि कुछ जो बड़ी डिफिकल्टी यानी कि कठिन जो सवाल होते हैं उसके मासा कैसे निकालते हैं। दोस्तों, एक सवाल दिया है, मान लो दिया है 300, 400, 650 और 600। दोस्तों, करना क्या है, इसका मुझे मासा निकालना है। तो समझते हैं इसका मासा कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका हमने ये बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लो जिससे भाई तीनों पूरी पूरी कट जाए, तो वो हमारा मासा होता है। अब समझो, अगर बड़ी संख्या आती है या बड़ी डिजिट आती है तो उसको हम इस टाइप से करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम कैसे उसको करेंगे। अब समझो, देखो मासा हमेशा या तो सबसे छोटी संख्या होगी, मासा जो होती है वो या तो हमेशा सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उसका कोई भी एक फैक्टर यानी कि कोई भी एक गुणनखंड होगा। अगर समझोगे दोस्तों, जो 300 दिया है, अगर इसके हम समझो क्या ये जो संख्याएं हैं क्या वो 300 से ये कटेगी। देखो, 300 से ये संख्या कट रही लेकिन ये संख्या 300 से नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे भाई, 300 के फैक्टर कर लो। जैसे हमने फैक्टर किया था, 2 × 150 करेंगे, 2 × 150। अब चेक करो, जो 150 है, 150 है, 150 से ये संख्या कटेगी तो भाई बिल्कुल कट रही है, 150 से ये संख्या कट रही है तो ये भी कट रही है, और 150 से क्या ये संख्या कट रही है तो बिल्कुल कट रही है। तो यानी कि दोस्तों, हम ये कहेंगे कि 150 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो कन्फर्म है कि इसका एच सी एफ 150 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल मान लो दे रखा है 75, 125 और 175। अगर दोस्तों इसका मासा निकालना है, मुझे क्या निकालना है मासा, तो आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जिससे तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाए। ठीक, आप समझते हैं इसका मासा निकालने का तरीका क्या होगा। देखो, 75 से 125 नहीं कटेगा और 75 से 175 भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर यानी कि 75 जो दे रखा है दोस्तों, इसके हम फैक्टर करेंगे। 75 के अगर फैक्टर करें तो दोस्तों इसके फैक्टर 2 से तो कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर लो। अगर 3 से डिवाइड करें, 3 के साथ फैक्टर, तो भाई 3 × 25 करेंगे इसको, 3 × 25। अब जरा दोस्तों चेक करो कि 25 जो यहाँ पे आया है, 25 से संख्या कटेगी, 25 × 75 होता है, 25 से क्या 125 कटेगा तो बिल्कुल कट रहा है, और 25 से क्या दोस्तों 175 कट रहा है, तो दोस्तों ये भी एक संख्या बिल्कुल कट रही है। तो कहेंगे सिंपल सी बात भाई, इसका जो एच सी एफ है, क्या चाहिए दोस्तों, एच सी एफ वो 25। इस टाइप से इसका मासा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरीका है जिससे मासा निकालते हैं बड़ी संख्याओं के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये सीखा कि मासा कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि भाई मासा पे जो संबंधित यानी मासा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, कहाँ पे मुझे मासा निकालना होता है और मासा के साथ साथ में उसमें कुछ और भी टर्म यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे मासा निकालते हैं और उसमें कैसे कैसे उसमें क्या करना होता है। ठीक, तो समझते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि एक साइड में हमने प्रश्न लिखा, एक साइड में हमने उत्तर लिख रखा है। ठीक, अगर पहला सवाल क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या दोस्तों पूछा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिससे एक्स वाई जेड मतलब कोई भी तीन संख्या दे रखे और आपसे पूछे कि वो तीनों संख्याएं पूर्णतः क्या हो विभाजित हो जाए, तो हम क्या दोस्तों निकालेंगे, एक्स वाई जेड का मासा निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मासा निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे आपका 20, 40, 60 पूर्णतः विभाजित हो, 20, 40, 60 पूर्णतः विभाजित हो। तो सिंपल सी बात दोस्तों, हम क्या करेंगे, तीनों का मासा निकालेंगे। और मासा आपको पता है भाई, तीनों से देखने से पता चला इसका मासा 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा और 20 से ये भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल समझते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में दोस्तों या तो आर शेष पर बचे या फिर कह रखा है या समान शेष पर बचे, प्रत्येक दशा में आठ शेष पल बचे या दोस्तों ये कह दें कि प्रत्येक दशा में समान शेष पल बचे, दोनों ही कंडीशन में सेम बात होती है। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका क्या होती है, अगर आठ शेष पल बचेगा तो हम कहेंगे एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर का एच सी एफ, तीनों में से पहले हम आर घटा देते हैं और उसके बाद में उसका मासा निकाल लेते हैं। या दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि तीनों को आपस में घटा लो, वाई से एक्स घटा लेते हैं, जेड से वाई घटाते हैं, जेड से एक्स घटाते हैं, तीनों को आपस में घटा लेते हैं और घटाने के बाद में उनका मासा निकाल लेते हैं, और मासा जो होता है वही दोस्तों इसका फाइनली आंसर हो जाता है। अभी दोस्तों इस पर हम सवाल आपको करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेषफल बचे। देखो, इसमें क्या था आर, यानी कि इसमें दोस्तों समान हर कंडीशन में समान शेषफल बच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी यानी कि एक्स में जब भाग करेंगे तो ए शेषफल बचेगा,
वाई में भाग करेंगे तो बी शेषफल बचेगा, जेड में भाग करेंगे तो दोस्तों सी शेषफल बचेगा। यानी तीनों में शेषफल अलग अलग बच रहा है, और जिस कंडीशन में शेषफल अलग अलग बचता है वहाँ पे क्या करना होता है, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, तीनों को पहले हम घटा देते हैं जो शेषफल बच रहा था, और उसके बाद में उसका हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर तीन पॉइंट आप याद करते हैं तो एग्जाम में इनसे इसके बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे, और इसी पे डिपेंड यानी आधारित हम आपको सवाल करवाएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों अगला सवाल ये देखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 36, 72, 90 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है तो हमें इसका क्या निकालना है, HCF यानी कि मासा निकालना है। तो मासा निकालने के दोस्तों हमने कई तरीके बताए, या तो आप वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लो जिससे कि तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाए, तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाए। तो आपको लग रहा है भाई मुझे लग रहा है 36 लिखा है, 72 लिखा है और 90, तो 18, अगर 18 दूनी 36, 18 चक्कू 72, 18 पंचे 90, इस टाइप से इसका हम मासा डायरेक्टली 18 बता सकते हैं। अगर इनकेस भाई अगर आपको इस टाइप से करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तो इसका तरीका क्या है भाई, मुझे इसका HCF निकालना था। क्या निकालना है, HCF। तो हम कहेंगे 36, 72 और 90। अब समझो दोस्तों, HCF या तो हमेशा की अध्ययन को या तो सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उसका कोई ना कोई एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा। हम क्या करेंगे, 36 को चेक करते हैं तो 36 दूनी 72, लेकिन 36 से 90 नहीं कट रहा है, तो हम ये कहेंगे भाई इसका जो मासा है वो 36 तो नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, अगर 36 मासा नहीं बनना है तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, फैक्टर। अगर इसको फैक्टर करेंगे तो 36 का फैक्टर, इसको दोस्तों हम क्या 18 × 2 लिख सकते हैं, ये इसका 18 एक फैक्टर है। अब अगर इसका एक 18 फैक्टर है तो जरा 18 से चेक कर लेंगे भाई, 18 × 2 = 36, 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90। यदि 18 से सभी संख्याएं कट रही हैं तो दोस्तों कहेंगे कि इसका जो HCF होगा वो कितना बनेगा, 18। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल क्या दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 306, 340 और 187 पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दोस्तों ये सवाल आपको लगाना है कि ये 306, 340 और 187 इसका हमें बड़ी से बड़ी संख्या मुझे मासा निकालना है। अब समझो दोस्तों इसका मासा निकालने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे बड़ी संख्या है, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सी किस संख्या से तीनों पूरी पूरी कटेंगी। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हम 187 के फैक्टर भी करने बैठेंगे तो 187 के दोस्तों फैक्टर करना भी थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसका करने का दूसरा तरीका क्या समझते हैं, देखो हमने क्या था कि भाई ये जो 306 दे रखा है और 340 और क्या रखा 187। अब दोस्तों अगर इसका मुझे मासा निकालना है, क्या निकालना है, HCF, तो हम क्या करें भाई इनके बीच का डिफरेंस ले लो पहले, इनके बीच का अंतर 306 और 340 इनके बीच का अगर अंतर बात करेंगे तो अंतर आपको कितना लग रहा है भाई, 34। दोनों के बीच का अंतर 34, 340 से अगर 306 घटाएंगे तो 34 बचेगा। ठीक है, आप समझो इनके बीच का अगर अंतर ले लें, अगर इनके बीच का दोस्तों हम अंतर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 13 से 8 गया 5, 153 बचेगा। इन दोनों का हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच का हमने मतलब अंतर ले लिया। अगर संख्या आपको बड़ी मिल रही तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उनके बीच का अंतर लेंगे। अब अंतर लेने के बाद क्या करेंगे, जो अंतर छोटा होगा, जो अंतर छोटा होगा, इन दोनों में अंतर की बात करें तो भाई हम कहेंगे ये अंतर छोटा होगा। अब समझो अगर जब हमें मासा निकालना होता है तो मासा क्या होगा, जो जितना बीच का डिफरेंस है या तो वही उसका मासा बनता है या फिर उसका कोई ना कोई एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड मासा बनेगा। क्या करेंगे दोस्तों, अगर 34 की बात करें तो 34 से ये संख्या तो कट रही है और 34 से ये भी नहीं कटेगा। कैसे चेक करेंगे भाई, कैसे मुझे पता चलेगा कि 34 से 187 नहीं कटेगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात आप समझो, अगर जब चार की मल्टीप्लाई करते हैं, चार की मल्टीपल, तो चार के मल्टीपल में इकाई का अंक कभी भी 7 नहीं आता है। 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 24 = 28, 32 = 36, 40। यानी कि अगर चार की इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो तो उसके दोस्तों इकाई का अंक 7 कभी बनेगा ही नहीं। तो हम ये कहेंगे भाई 34 से ये संख्या नहीं कट रही, और हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे कि तीनों संख्याएं पूरी पूरी डिविजिबल हों। तो दोस्तों क्या करेंगे, हमने क्या क्या पहले देखो अंतर निकाल लिया है, और अंतर में दोनों में छोटा अंतर है, अगर अंतर से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो सेम वही कंडीशन, इसका कोई ना कोई एक फैक्टर कर लो। अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो 17 × 2 करेंगे, और देखा जैसे हमने देखा 17, तो 17 से तीनों संख्या दोस्तों पूरी पूरी कटेंगे, 17 × 2 = 34 पूरा कटेगा, और 17 × 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 11 = 170, और प्लस 17 ऐड करेंगे तो 187 बन जाएगा, और 17 से ये भी संख्या कट जाएगी। आप चेक करके चाहो तो चेक कर लो भाई दोस्तों, 306 अगर 17 से भाग करो 17 × 17 कितना बचेगा, 13 बचेगा, और साथ में आएगा 6 तो 136, 17 × 8 = 136
136 यानी कि 18। तो दोस्तों ये संख्या तीनों ये जो सभी संख्या है वो 17 से कट गई। तो दोस्तों इसका हम HCF क्या करेंगे, 17 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम इसको HCF निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 39, 75 तथा 111 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, तो दोस्तों अभी हमने पीछे जो टेबल बनवाया था वहाँ पे सेकंड पॉइंट हमने लिखवाया था कि अगर किसी भी संख्या में समान शेषफल बचे वहाँ पे हम क्या करते हैं। तो समझो यहाँ पे अगर समान शेषफल बचेगा तो तीनों को पहले आपस में हम घटा लेते हैं, लेस कर लेते हैं, तीनों संख्याओं को आपस में घटाते हैं, उसके बाद में उनका मासा निकालते हैं। तो हम क्या करने वाले यहाँ पे, मेरे पास जो संख्याएं हैं पहले इन दोनों का अंतर कर लेंगे भाई। 75 - 39 कितना बचेगा दोस्तों, 36। कितना बचेगा, 36 बचा। आगे हम क्या करेंगे, 111 से 75 75 को घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा, ये भी आपका 36 बच जाएगा। और अगर तीसरी संख्या है 111 से 39 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा, 72 हाँ 72 ही बचेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इन तीनों का मासा निकालना है, इन तीनों का मासा निकालना है। दोस्तों एक बात समझो, क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे समान शेषफल बचे, तो समान शेषफल में क्या करेंगे, तीनों को आपस में पहले घटा लेते हैं और घटाने के बाद में जो संख्याएं बचती हैं उसका हम निकालते हैं मासा। अब 36, 36, 72। अब दोस्तों इसका बताना है कि आपको मासा, भाई इसका HCF मासा क्या होगा। तो भाई आप बताओ इनका मासा क्या होगा, आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाए। तो देखो 36, 36, 72 क्या इनका मासा 36 है, 36 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, 36 से ये संख्या भी कट रही है। और अगर सारी की सारी संख्याएं दोस्तों 36 से कट रही है तो सिंपल सी बात, इसका हम क्या कहेंगे भाई, इसका मासा 36 ही बनेगा। तो इसका मासा कितना हो गया, 36 यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी एक बात और दोस्तों समझो आपसे, अगर मुझे सवाल को चेक करना कि भाई सत्यापन करना कि सवाल सही है गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, समझो आपसे पूछा वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या बताना है जिससे क्या करना है भाई 39, 75 तथा 111 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में समान यानी कि तीनों ही कंडीशन में सेम शेषफल बचे। तो समझो अगर 39 में दोस्तों 36 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल 3 बचेगा, 36 से कम 36, 3 शेषफल बचेगा। अगर 75 को 75 को दोस्तों 36 से भाग करेंगे तो 36 दूनी 72 तो क्या शेषफल दोस्तों 3 बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पे 111 की बात करें तो 36 का टेबल पढ़ो भाई, 111 शेषफल बताओ कितना बचेगा, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 + 108 36 + 3 कितना होता है, अगर 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और शेषफल क्या बचेगा, 3। तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि तीनों ही कंडीशन में समान शेषफल बच रहा है, तो हम ये कहेंगे भाई सवाल हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 60, 98 तथा 170 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अब समझे दोस्तों समान शेषफल बच रहा है तो सेम कंडीशन वही हमें करना है, क्या करना है कि अगर शेषफल समान बच रहा है तो पहले हम तीनों का अंतर निकाल लेंगे और अंतर निकालने के बाद उनका क्या निकालेंगे, मासा। अब वही हमारा दोस्तों आंसर बन जाता है। तो क्या कहेंगे, तीनों का अंतर यानी कि हम ये कहेंगे दोस्तों 98 - 60 कितना बचेगा, 38 बचेगा। उसके बाद में 117 से दोस्तों 98 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये दोस्तों आपका 19 बच जाएगा। अब समझो 117 से हम तीसरी संख्या घटा देंगे, 117 से अगर हम 60 को घटा दें, कितना घटा दें 60, तो क्या बचेगा, 57 बचेगा। अब इन तीनों का दोस्तों मुझे निकालना है HCF, क्या निकालना है, HCF मासा निकालना है। तो मासा इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी, 19 है। और अभी हमने कहा था भाई जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो मासा वही होती है या फिर उसका कोई ना कोई एक फैक्टर होता है। अब समझो अगर सबसे छोटी संख्या 19 है, अब चेक कर लो क्या 19 से तीनों संख्याएं कटती हैं, तो देखो 19 - 38 और 19 - 57 तो तीनों संख्या 19 से कटती हैं। तो दोस्तों हम ये कहेंगे इसका HCF कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि एक सवाल दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 80, 133 तथा 260 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः क्या बचे, 5, 8 तथा 10 शेषफल बचे। यानी क्या करना है कि भाई 80 में जब भाग करें तो 5 शेषफल बचना चाहिए, 133 में भाग करें तो 8 शेषफल बचना चाहिए और 260 में भाग करें तो हमें 10 शेषफल बचना चाहिए। तो दोस्तों वो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो समझते हैं इसको लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो 80 है, 80 में जब भाग करेंगे तो शेषफल 5 बच रहा है, तो भाई 80 से पहले 5 घटा लेते हैं, कितना बचेगा दोस्तों, 75 यानी 75 बचेगा।
उसके बाद में 133 में जब भाग करें तो 8 का शेषफल कितना बचना चाहिए 8। 133 में जब भाग करेंगे तो शेषफल 8 बचना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई 133 से हम 8 घटा लेते हैं तो ये बचेगा दोस्तों 125 बचेगा। और जब हम 260 में को भाग करेंगे तो शेषफल हमें 10 बचना चाहिए, तो हम ये कहेंगे 260 शेषफल कितना चाहिए 10, तो 10 घटा लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों ये बचेगा 250। अब हमें करना क्या, तीनों का HCF मासा निकलना है, तीनों को दोस्तों हमें मासा निकलना है। मासा निकलने का तरीका क्या है भाई, या तो सबसे छोटी संख्या इसका मासा होगी, सबसे छोटी भी संख्या कौन सी है 75, तो क्या 75 इसका मासा है, तो भाई भाई 75 से देखो कोई भी संख्या यानी कि 250 भी नहीं कटेगा और 125 भी 75 से नहीं कटेगा, तो अगर मासा 75 नहीं है तो दोस्तों ये कहेंगे कि 75 का कोई ना कोई एक फैक्टर, अब 75 का फैक्टर कर ले 75 का गुणनखंड, तो मुझे पता भाई 3×25 होता है, 3×25 आप कुछ नहीं भाई 25 से ज़्यादा चेक कर लो, तो क्या 25 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, 25 3 75 25 5 125 और 25 2 250, तो संख्याएं तीनों जो है 25 से कट रही हैं, तो दोस्तों इसका जो HCF है वो क्या कहेंगे हम 25, यही इसका HCF।